ये मेरा भाई है, ये यहाँ पे फंसे हुए थे, यहाँ पे एजेंट से, एजेंट के थ्रू आए थे, तो उसने एक साल का वर्क परमिट बोल के इनको 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट लेटर दिया था, और ये भाई फंस गए थे वहाँ पे, और फिर उन्होंने हमसे कॉन्टेक्ट किया, और ये भाई बताएगा कि 3 महीने पे आने पे क्या होता है, किस टाइप का सिचुएशन है। भाई बताओ आप वहाँ पे, चल तो आप अपना नाम बताओ और कहाँ से हो आप? मेरा नाम जसविंदर सिंह भाट है, मैं पंजाब में मोगा डिस्ट्रिक्ट के धर्मकोट से हूँ, तहसील धर्मकोट है, और हमारे यहाँ वर्क परमिट 1 साल की बात हुई थी और 3 महीने का दे दिया एग्रीमेंट, बोलते चले जाओ आगे एक्सटेंड हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता भाई, जिसने भी आना है कम से कम 1 साल के एग्रीमेंट पे आए और उसी पे TRC अप्लाई होगी, जो कुछ होगा उसी से होगा। भाई वहाँ पे रहने का क्या सिस्टम दिया था आपको, अकोमोडेशन किस टाइप की दी थी? बहुत बुरी हालत थी भाई, वहाँ तो रह भी नहीं सकता आदमी, एक दिन नहीं काट सकता। कितने बंदे थे वहाँ पे? वहाँ बंदे थे 300 के लगभग बंदे थे। और अकोमोडेशन कितनी थी? अकोमोडेशन तो दो थी यार, वो कम से कम 100 आदमी की थी। अच्छा, 100 बंदों की अकोमोडेशन थी, मतलब एक लगा लो आप होल टाइप से थे, 2 होल थे उसमें, 300 बंदों को ठूस रखा था। किचन का क्या सिस्टम था भाई वहाँ पे? भाई किचन का कोई एक किचन था, एक 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 अपार्टमेंट में एक किचन था, बस उसी में बनाओ उसी पे खाओ। तो भाई बात यह है मोटा मोटी कि सीजनेबल वर्क परमिट पे कोई मत आओ, चाहे एजेंट कुछ भी बोलेगा वो ये बोलेगा आपको हम एक्सटेंड करवा देंगे, वहाँ पे आपकी जॉब चेंज करवा देंगे, TRC दिलवा देंगे, कुछ नहीं मिलता। लास्ट में यहाँ के जो लोकल एजेंट है जिसके पास भेजेंगे वो यही बोलेंगे 2-3 महीने बाद में कि आप जाओ, आपको जहाँ जाना है। भाई सैलरी मिली आपको? ना कोई सैलरी, सैलरी वैलरी कुछ नहीं देते, सैलरी भी नहीं मिलती है। अब लास्ट में भाई हमारे पास में है 2-3 दिन से, भाई आपको कैसा लग रहा है हमारे पास में आ रहे? बढ़िया भाई, एक नंबर का हो रहा काम है अब तो। तो भाई ये भाई लोग आए थे, पहले 4 आए थे और उनमें से 2 को शिफ्ट कर दिया है और अब 3 भाई और आए हैं, तो टोटल हमारे पास में ये 7 बंदे आए थे। पहले भी और आए थे, वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पाता, आज तो संडे इसलिए बनाया। कल इनमें से 2 भाई जाएंगे काम पे और काम वाम भी देख के आ गए, और पहले इनसे कुछ नहीं लेंगे, कोई सैलरी वैलरी का सारा सिस्टम कर दिया, खाने वाने का सब कुछ अगला सारा सिस्टम कर दिया इनका, क्योंकि वहाँ से ये चले थे वहाँ पे महीना भर लगाया इन्होंने, महीने भर में जो इंडिया से लेके आए थे वो तो सारा ख़त्म हो गया इनके पास में। तो किसी भाई के थ्रू मेरा नंबर मिला था, तो मैंने कहा भाई जितनी हेल्प होगी उतनी करेंगे आपकी, आप हमारे पास आ जाओ। तो अभी 3-4 दिन से भाई हमारे पास में हैं और अच्छे से, मतलब जैसा हमसे बनता है वैसे हम कर लेते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सबका यही है भाई, मेरे कहने का मतलब यही है कि वर्क परमिट यहाँ नहीं मिलता है, यहाँ ऑफ़र लेटर मिलता है ओनली फॉर। ऑफ़र लेटर लो तो 3 महीने का मत लो ऑफ़र लेटर, आपको कम से कम अगर आप लो ऑफ़र लेटर तो 1 साल का ऑफ़र लेटर मिलता है यहाँ पे, 1 साल का होता है, उसमें आप आओगे आपका TRC भी बनेगा और वो फिर आगे एक्सटेंड होता रहता है, और उसमें आपको जॉब चेंज करनी है जॉब चेंज कर सकते हो, अकोमोडेशन अच्छा मिलता है, खाने के लिए कुछ कंपनियां देती है कुछ कंपनियां नहीं देती है, वर्किंग टाइम 8 घंटे का रहता है, सुबह 7 बजे से शाम को 3 बजे तक, आधे घंटे का उसमें ब्रेक होता है, और कुछ कंपनियां उस ब्रेक का पैसा नहीं देती है, कुछ कंपनियां दे देती है, ठीक है। ओवर टाइम कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, मंडे टू फ्राइडे काम रहता है, सैटरडे को आप अगर बोलोगे तो सैटरडे को भी काम रहता है, संडे को पूरा बंद रहता है, संडे को तो अपने वीक ऑफ रहता है, तो मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। बाकी सही है, सिटी अच्छी है, ये लगा लो कि जो भी बंदा आता है उसको 3-4 महीने तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सर्दी ज़्यादा है। बाकी हम बताएंगे आपको, वीडियो हो सकता है 1-2 दिनों में बनाएंगे कि क्या क्या लेके आना चाहिए और कैसे आपको अप्लाई करना चाहिए, कैसे क्या होगा, कितना प्रोसेस है, कितना पैसे लगते हैं, सारा कुछ हम आपको वीडियो में बताएंगे, ठीक है भाई।